लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी थाना रोहिणिया अंतर्गत गरीब पीड़ितों पर बदमाशों ने किया जान से मारने का प्रयास, जिसमें गंभीर चोटें बच्चे को लग जाने से बदमाश हुए फरार। और थाना रोहिणिया का कहना है कि पीड़ित की मां ने बयान दिया है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि हमारे घर में महिलाओं और बच्चे को भी मारा गया है। उसके बावजूद थाना रोहिणिया कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, दोषी हम ही को बना रहा है। क्या गरीब पीड़ित की सुनवाई के लिए कोई अलग से रूल्स होना चाहिए? वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ये रुमान को आई है और मेरी सास को आई है, ये सर पे लगा है सर। अच्छा, तो क्या टाका लगा है? टाका नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, सर तो अभी आप लोग आई हैं तो क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मतलब हम लोग गए थे थाने पे, तो थाने वाले बोले कि ठीक है वहाँ जाओ, फिर वहाँ से बोले वहाँ जाओ, यही सब बोल रहे थे। बोले कि ठीक है हम दर्ज कर रहे हैं, फैयार लेके रोहिणिया थाना ने आपके लिए क्या कहा है? रोहिणिया थाना ये बोला है, हमको कागज लिख के दिए हैं, बोले हैं कि आप मेडिकल नहीं हो सकता है, रात हो गई है। अच्छा, रात हो गई है और उसके बाद सुबह कल 10 बजे आइएगा। मेडिकल तो 2 बजे रात में भी हो सकता है। ये लोग बोले कि अब नहीं होगा, वहाँ पे बंद हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। आप क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं सर कि बस यही मतलब उन लोग का मतलब हमसे जैसे बेटा के लोग अंदर कर लेना मरना न पिटना वैसे उन लोग का हम पूरा तबाही चाहिए। अच्छा, हमारे माननीय योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? योगी जी से यही हम कहेंगे कि मतलब हमारी सुरक्षा चाहती कि हम अपने घर में अपने बच्चन के लेके सही से हम दुखिया मजूरी करके हम खा ले रही आराम से चैन से, कहे कि हमारा आदमी लेबर है सर। ठीक बस, और हम यही चाहते हैं, और हमसे किसी से झगड़ा किसी से दुश्मनी नहीं है।